गुड मॉर्निंग सर। लास्ट लेक्चर से कोई डाउट, लास्ट लेक्चर से कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। खुशबू, कल्पना, कोई डाउट है आप लोग को? के आयोनिक रेडियस, बोर्ड दिख रहा ना? देखिए, एक चीज ध्यान क्या रखना है अपने को कि जो रेडियस है, रेडियस जो है हमारा, वो रेडियस हमको कहाँ तक देखने को मिलेगा? जहां तक इलेक्ट्रॉन होगा वहां तक, ठीक है। तो जब हम आयंस की बात करें, जब हम आयंस का केस लेते हैं, तो उस कंडीशन में एक या तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड होना चाहिए या फिर रिमूव होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहा है तो हमारा कैटायन फॉर्म करेगा, ठीक है, ये पढ़ा है हमने। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो हमारा एनायन फॉर्म करेगा। ठीक है,
अब देखो जो ट्रेंड है प्रॉपर्टीज का, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, वो बेसिकली हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम देखते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब हम कैटायंस की बात करें तो कैटायंस के केस में क्या होगा कि जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो है कैटायन का, वो डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, और एन आयंस के केस में इसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, जब हम आयंस ले रहे हैं तो ये जो एटॉमिक रेडियस है, ये एटॉमिक रेडियस ना कहला के क्या कहलाएगा, आपका आयोनिक रेडियस कहलाएगा, और इसको भी हम आयनिक रेडियस कहेंगे। लेकिन कैसा रेडियस कहेंगे, तो कैटायोनिक रेडियस, और इसका नाम हो जाएगा एन आयोनिक रेडियस। ठीक, अब ऐसा होता क्यों है कि रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज करता है? तो देखो, कल एग्जांपल आपको दिए थे, अगर हम किसी का भी एग्जांपल उठाओ, जैसे आप मान लो कैल्शियम का उठाए हैं, अगर तो कैल्शियम 20, ठीक, अगर इसको हम देखें तो ये हमको इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इस तरीके से दिखाएगा, दो आठ आठ और फिर हमारा। ठीक, तो हमने ये भी पढ़ा है कि कैल्शियम जो है वो मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, मतलब तो दो इलेक्ट्रॉन वो छोड़ सकता है। इस कंडीशन में जब हम Ca से Ca2+ में जाएंगे, मतलब इस एटम से आयंस में कन्वर्ट होगा जब ये, तो दो इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर देगा, मतलब छोड़ देता है, अगर दो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बाहर का जो शेल है, ये शेल, ये इस पूरा का पूरा शेल रिमूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पूरा का पूरा शेल रिमूव कर जाएगा, जिसके वजह से जो रेडियस हमको देखने को मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक मिलेगा, तो इस थर्ड वाले सेल तक हमको रेडियस देखने को मिलेगा। और इसलिए हम कहते हैं क्या है कि जो कैटायनिक रेडियस है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, ये तो हो गया कब, जब कैल्शियम हमारा दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब। लेकिन जब हम बात करें कि अगर दो को नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको जस्टिफाई कैसे किया जाता है। तो हमारे पास सेम कंडीशन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है हमारा, गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पे न्यूक्लियस है हमारा। ठीक है, उसके बाद सेल्स इस टाइप से हैं, थोड़ा ड्राइंग में गड़बड़ हो रहा है, देखिए वो टेबल दो तो। हाँ, वो टेबल दो तो। देखिए इस कंडीशन में हम कैसे देखेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये हमको ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। ठीक है, तो इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए, तो प्रोटॉन यहाँ पे कितना है, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे 20 है,
और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे पास 19। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन्स की संख्या 20 हो गई, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा हो जाएगा मतलब ये ज्यादा जोर से जो न्यूक्लियस है यहाँ पे ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी खींचेगा अपनी तरफ और ज्यादा जोर से खींचेगा। ठीक, तो इसके वजह से होता क्या है कि जो शेल है ये थोड़ा सा अंदर की ओर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये शेल थोड़ा सा अंदर की ओर शिफ्ट करता है और जिसके वजह से इसका आयोनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो कैट आयनिक रेडियस है वो कैट आयनिक रेडियस इसका डिक्रीज करेगा और ये प्रोसेस है इसको समझने का। समझ में आया यहां तक, कैट आयनिक रेडियस डिक्रीज करेगा। समझ में आया यहां तक सबको? देखो अब अगर हम बात करें एन आयनिक रेडियस की तो एन आयनिक का जो फंडा है ये ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी नॉन मेटल्स उठा सकते हैं एन आयनिक रेडियस शो करने के लिए, किसी भी आप नॉन मेटल को उठाइए। जैसे मान लो अगर हमने ऑक्सीजन उठाया, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो यहाँ पे हमको 2 मिलेगा और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन 6 मिलेंगे। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आपका रिसीव करेगा या इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें आते हैं तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ले या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ले तो उसके हिसाब से ये चार्ज दिखाएगा, O माइनस होगा। या फिर अगर ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाएंगे। ठीक, अब देखो सेम थ्योरी हम यहाँ पे भी लगाएंगे। यहाँ पे प्रोटॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी तो 8, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी तो या तो 9 होगी या फिर 10 होगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे दोनों के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा, जिसके वजह से ये जो शेल है ये शेल बाहर की ओर शिफ्ट कर जाता है, ये शेल थोड़ा सा बाहर की ओर शिफ्ट करता है और जिसके वजह से हम कहते क्या है कि एन आयोनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसको ऐसा भी कहा जाता है कि एन आयन ऑलवेज हैव देयर रेडियस मोर देन द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ध्यान से सुनिए, एन आयन का जो रेडियस है उसके एटम से हमेशा बड़ा होगा और जो कैट आयन का रेडियस है वो अपने एटम से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो छोटा होने का रीजन ये है कि यहाँ पे प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाती है जिसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है और जिसके वजह से कैट आयनिक रेडियस डिक्रीज कर जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा और जिसके वजह से एन आयनिक रेडियस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है।
अभी डाउट क्लियर हुआ? यस सर। डाउट क्लियर हुआ या और भी डाउट्स हैं अभी किसी को? चलिए हम आते हैं अपने नोट्स पे। पीडीएफ विजिबल है? पीडीएफ दिखा सबको? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप सबने एनर्जी के बारे में सुना है, ठीक है। एंथैल्पी आपके लिए नया शब्द होगा, लेकिन एंथैल्पी और एनर्जी दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में दोनों सेम चीजें हैं और हम एंथैल्पी केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। अब देखिए फर्क कैसे किया जाता है दोनों का। अब यहाँ पे एनर्जी तो हमको पता है कि किसी भी चीज की एनर्जी होगी, काम करने के ताकत को कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एंथैल्पी है, ये एंथैल्पी बेसिकली एक चीज को डिफाइन करता है कि हीटिंग प्रोसेस, हीटिंग प्रोसेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन भी है, ठीक। ध्यान रखिए, हीटिंग प्रोसेस या फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दो इसमें मेन प्रोसेस, मेन चीज क्या याद रखना हमको कि कॉन्स्टेंट प्रेशर होना चाहिए। आप देखो कोई भी प्रोसेस आप करते हैं, मतलब आप अपने घर पे भी अगर कुछ करते हैं, जैसे कोयला जला रहे हो, गैस चूल्हा जला रहे हो, या कोई चीजें गर्म कर रहे हो, या कुछ भी आप मान लो ठंडा कर रहे हो, जैसे बर्फ को ही अगर आप फ्रिज से निकाल के अपने रूम में रख दो, जमीन पे रख दो, वो पिघलने लग जाता है, ठीक है। पानी आप बॉयल कर सकते हैं, पेपर जला सकते हैं। अभी हर किसी के साथ जो प्रेशर है, ये प्रेशर कौन सा प्रेशर लग रहा है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे हर जगह पे एटमोस्फेरिक प्रेशर हमको लग रहा है। और एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, या तो हम 1 atm में डिफाइन करते हैं या फिर 1 bar में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट प्रेशर है, इस कंडीशन में जो हीट एनर्जी या एनर्जी सप्लाइड होती है, उसे हम कहते हैं एंथैल्पी, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शंस भी अगर आप पढ़ोगे, वो केमिकल रिएक्शन अगर लैब में भी हो रहा है, तो जनरली उसका जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर लेके लिया जाता है। तो उस कंडीशन में हम डिफाइन करते हैं हमेशा एंथैल्पी। एंथैल्पी को डिनोट किया जाता है एच से, ध्यान से सुनिए, एंथैल्पी को डिनोट किया जाता है एच से, और चेंज इन एंथैल्पी जो है वो डेल्टा एच से दिया जाता है। आपने 10th में रिएक्शंस पढ़े होंगे, रिएक्शंस के देखो, अगर ए ए प्लस बी अगर आपको प्रोडक्ट दे रहा है ए बी, ठीक है, ए बी ना कहिए इसको, अगर ये आपको प्रोडक्ट दे रहा है सी प्लस डी, ये ऐसा जनरल रिएक्शन है जो हमने पढ़ा है, तो इसके साथ साथ हमेशा यहाँ पे आपने एक चीज देखा होगा डेल्टा एच, या फिर और आपको एनर्जी लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये जो डेल्टा एच और जो एनर्जी है, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी, ठीक है, ये आपका एंथैल्पी कहलाता है। तो इस कंडीशन में जो हम प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। और ये जो एंथैल्पी है, इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स या फिर थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये एक चैप्टर है आपके 11th का सिलेबस है, मेरे ख्याल से 5वां या 6ठा चैप्टर होगा, तो उसमें हम इसको पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, हमारे पास एटम है, ठीक है। एटम्स में शेल्स, देन उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
अभी कोई भी एटम से इलेक्ट्रॉन अगर हमको निकालना है, जैसे सोडियम ही हो, कैल्शियम हो, कुछ भी हो, अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी कहने का मतलब है कि जब एक एटम अपने गैसियस अवस्था में आके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी सप्लाई होता है, एनर्जी उसे दिया जाता है, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसे देखिए डेफिनेशन क्या है इसका, इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ ए न्यूट्रल गैसियस एटम, कंसिक्वेंटली द एटम चेंजेस टू मोनोवेलेंट कैटायन। मोनोवेलेंट कहने का मतलब है उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, वन प्लस चार्ज देखने को मिलेगा, इसे हम मोनोवेलेंट कैटायन कहते हैं। तो एक हमारे पास मेटल है, मेटल में हमने क्या किया, एनर्जी सप्लाई किया IE1, ठीक है। अभी IE1 क्या है वो बताता हूँ। तो जब एनर्जी सप्लाई करेंगे ये क्या करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा और कैटायंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एनर्जी दी गई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसे हम, उस एनर्जी को हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कही जाती है। अगर इसी जगह पे अगर हम क्या करें कि फिर से इसमें कुछ एनर्जी दें, फिर से एनर्जी दें और उसके बाद M प्लस से M टू प्लस में कन्वर्ट किया जाएगा, इसको मतलब यू कहिए कि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब इसका हम दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहें तो उस कंडीशन में जो एनर्जी सप्लाइड होगी उसे हम कहेंगे IE2, मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसी तरीके से हम सभी एनर्जीज को डिफाइन कर सकते हैं। अगर तीन इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करेंगे, अगर चार इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फोर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो चौथे वाले के लिए हम फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करेंगे, और ऐसे ही करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एनर्जीज हैं, जैसे IE1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, फिर 5 और ऐसे कंटिन्यू जो होते हैं, तो इनको हम कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ध्यान से सुनिए, इनको कहा जाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब एक के बाद एक कंटिन्यूअसली ये एनर्जीज को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होता जाएगा, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। मतलब अगर हम इसे अरेंज करना चाहें तो सबसे कम IE1 होगा, फिर IE2, फिर IE3, फिर IE4, उसके बाद ऐसे 5, 6, 7 ऐसे करके बढ़ेगा ये। तो सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगेगा, फिर उससे ज्यादा सेकेंड को लगेगा और उससे ज्यादा थर्ड को लगेगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, वो इसलिए लगता है क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जस्ट जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ठीक, तो फर्स्ट सॉरी ऊपर से जब हम नीचे की ओर आएंगे टॉप टू बॉटम में, इस कंडीशन में क्या है कि हमारा नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा तो एटम का साइज भी बढ़ता चला जाएगा। तो एटम का जब साइज बढ़ेगा तो वैसे वैसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मतलब ये जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए जो एनर्जी हमको देना पड़ेगा वो बहुत कम होगा। लेकिन उसी जगह पे जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में
इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में अधिक होगा, जिसके वजह से हमको IE2 मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा देना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ा जा सके और तब जाके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सके। तो IE2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE1, ठीक है। इसी तरीके से IE3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE2। सेफ कंडीशन लागू होते हैं हर किसी के साथ। तो IE4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE3, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसको समझते हैं। कोई डाउट है इसमें समझने में? इसको समझने में कोई डाउट है? चलिए देखिए इसको एक बार, ये टॉपिक आप एक बार पढ़िए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। इस टॉपिक में बहुत लंबा लिखा हुआ है, फटाफट पढ़िए, ठीक है। जहां मैंने एक्सेप्शन लिखा है, देखिए एक्सेप्शन को मैंने रेड करके रखा है। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। तो जहां एक्सेप्शन आ जाए वहां पे आप रूल्स नहीं लगा सकते। वहां पे क्या करना होगा, आपको ये डायरेक्टली याद कर लेना होगा कि ऐसा एक्सेप्शन होता है, बिकॉज केमिस्ट्री इज ऑल फुल ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यूज। ये जो भी है प्रैक्टिकली देखा जाता है, इस वजह से एक्सेप्शन दिए जाते हैं। चलिए फटाफट इसके बाद पढ़िए, कोई डाउट है तो पूछिए। पढ़ के हो जाए तो बोलिएगा, स्क्रॉल कर देंगे नीचे, और भी है आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। ठीक है, इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस एज यू गो डाउन ए ग्रुप। हो गया, स्क्रॉल करूं। बाकी लोगों का
चलिए फटाफट आगे देखिए। देखिए ए ए और बी, ठीक है, ए और बी कहता क्या है कि जैसे आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था और उसमें मैंने आपको ऑर्बिटल अरेंजमेंट बताया था, ये वाला कि एक सेल एक ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल है, तीन ऑर्बिटल है, तो उस कंडीशन में ये दोनों दोनों पॉइंट देखिए, दोनों पॉइंट को ध्यान से देखिए कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड सबसेल and extra stability of half filled subcell, ठीक है, is the cause of irregularity. Irregularity कहाँ पे? तो ये जो टेबल दिया गया है इसमें इरेग्युलरिटी दिखा रहा है। अब इरेग्युलरिटी कहाँ कहाँ दिख रहा है हमको, तो एक तो है यहाँ पे देखो ये 5.39 उससे बढ़ के है 9.32, फिर ये डाउन हो गया, उसके बाद फिर बढ़ा, फिर उससे भी बढ़ा, अब देखो यहाँ बढ़ना चाहिए तो ये डाउन हो गया और फिर ये बढ़ के आया, उसके बाद फिर ये बढ़ के आया। तो कहता क्या है कि जब और इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तो उस कंडीशन में अगर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऐसे वाले अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और जो फुल फिल्ड है मतलब जो पूरे भरे हुए हैं, दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में क्या है कि इन दोनों में से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते, देखो मैंने आपको बताया था पहले भी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन्स हमें सब सभी प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे ये बता रहा है कि जब ये फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है तो ये काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना नहीं चाहते, तो हम करेंगे क्या, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, मतलब हम बोलेंगे भाई मैं तुझे जरूरत से ज्यादा दे रहा हूँ तो आप इलेक्ट्रॉन को छोड़िए। ठीक उसी प्रकार जो जब घूस दिया जाता है तो घूस भी इतना दिया जाता है ताकि सामने वाला ना नहीं कर सके, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं, ये स्टेबल होते हैं, उसके वजह से इनकी स्टेबिलिटी को हटाने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जरूरत से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और जिसके वजह से हमें ये इरेगुलरिटी देखने को मिलता है। समझ में आया उपम? चलिए आगे देखिए। तो ये पॉइंट मैंने आपको भी बताया था, सेम चीज है, सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है।
गया, यहाँ तक हो गया कंप्लीट ये वाला तक। यहाँ तक पढ़ के हुआ सबका? देखिए नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। तो सबसे पहला है हमारे पास साइज ऑफ एटम। ठीक है, अगर साइज छोटा होगा, अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने में तकलीफ होंगे, अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आसानी से निकलेगा तो एनर्जी कम देना पड़ेगा, और अगर तकलीफ से निकलेगा तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, और जैसे जैसे साइज घटेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, ट्रेंड हम कैसे देखेंगे? तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड के अलॉन्ग, पीरियड के अलॉन्ग क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि यहाँ पे साइज डिक्रीज कर रहा है इसलिए। और जब हम टॉप टू बॉटम की बात करें, टॉप टू बॉटम की बात करें, तो यहाँ पे जो है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी ये घटेगा। ठीक, घटेगा इसलिए क्योंकि एनर्जी यहाँ पे हमें कम देना पड़ रहा है, बिकॉज इंक्रीज इन साइज। जैसे वैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं हमारा साइज बढ़ता चला जाता है एटम्स का, और उस वजह से हमें कम से कम एनर्जी देना होगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सके। तो साइज ऑफ द एटम हमको यही बताता है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है और टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। सेकेंड पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, और जैसे जैसे चार्ज घटेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी घटेगा। देन थर्ड पॉइंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया था, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या है कि जैसे देखिए अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा जिसके वजह से आपका इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो सकता है। मतलब हम ये कहते हैं कि यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा किसके बीच, तो इलेक्ट्रॉन